है कि बॉय है कि लड़का है कि लड़की है वो आप सभी को अभी हम जस्ट तुरंत बताने जा रहे हैं जाने के लिए। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, संजीत ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सभी। जीजा हमें पापा जीजा ना बेटा पापा जीजा। और देखिए निशा जी क्या कर रही है, रात में सोई ही नहीं है दोस्तों। ब्रश करने आई है बाहर ना बेटा। इतना अच्छा बच्चा जो क्या अच्छा बच्चा कितना अच्छा। YouTube से ये दिलाएंगे क्या अवार्ड दिलाएंगे जगह जगह अच्छा बड़ा भैंस की तरह सोता था पहले। अब सोना तो सुबह सुबह का चाय आ गया हमारे पास और निशा जी अभी तो मुंह धोने में लगी हुई है, तो मुंह धोएगी उसके बाद वो चाय पिएगी दोस्तों, है ना। हमारा चाय तो आ चुका है तो चले दोस्तों हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद निशा से भी मिलाएंगे आपको। और आज बने रहेगा दोस्तों, कुछ स्पेशल है इस वीडियो में दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, देखिए निशा जी रूम में घुस गई है, वो मुंह धो करके चाय पी रही है। और देखिए निशा जी और हलवा हमारे नानी बनाए थे, आप सबको दिखाए थे, वो हलवा है आधी आधी पूरा है ना। सब नाश्ता वास्ता करके आज भूख भी लग रहा है, नींद भी लग रहा है, दोनों काम पहले खा लेते हैं, उसके बाद खाना सोना तो है ही। बताइए देखो मेरा खाना या सोना है, बस जागना नहीं है। रात को जागती है मतलब दिन को सोती है ना। और मेरा यहाँ दी बाबू जाने के लिए तड़प रहा है, मम्मी खा लिया चार बिस्कुट खा लिया। जाने के लिए दोस्तों देख सकते हैं ये लक्ष्मण रेखा के पास ही हमको बैठना पड़ता है हमेशा। क्यों अंदर कब आएंगे? अंदर आप आइएगा, नहा आइए, अंदर आइए नहा कर जाइए। आज तो पक्का आएंगे अंदर, है ना। मैं अपना बाबू को गोदी में ले करके खिलाऊंगा आज। ये हॉस्पिटल में लिया था ना रे? हाँ हॉस्पिटल में लिए थे हम दोस्तों उसको गोदी में, हॉस्पिटल ही का लिए। हाँ उसके बाद हम नहीं लिए दोस्तों, क्योंकि आज हम लेंगे, मेरे को बहुत मन कर रहा है बच्चा खिलाने का। जैसे लग रहा है बच्चा पाल भी नहीं दिया, मेरा आदि बाबू हुआ नहीं है क्या? ओहो आदि बाबू तो बहुत बदमाश, साथ में इतना आज तो रात भर इतना परेशान करते थे, इतना अगर मोबाइल रहता ना वीडियो बनता ना इसका, अगर मोबाइल हैंग मोबाइल हैंग कर जाता वो झूठ है पूरा रात। आप लोग दोस्तों समझ सकते हो ये माँ बनना दोस्तों बहुत कष्ट वाली बात और खुशी की बात है। खुशी होता है आप लोग को, हमको भी खुशी हो। ये देखिए दोस्तों निशा रोने लगी, ये खुशी का आंसू है कि मतलब कि होता है, पर जब जिस टाइम होता है ना बच्चा उस टाइम पता चलता है कि क्या है खुशी और क्या है दुख। मौत उस टाइम लगता है भगवान मौत बस मौत ही सामने रखी दी है, जिस तरह से लगता है। तो दोस्तों हमारा बाप बेबी क्या चीज है वाह देखने के मिलेगा इसमें दोस्तों, वीडियो इसको स्किप करके ना देखें, है ना। लड़का है कि लड़की है वो आपको देखने के लिए इस वाले वीडियो में मिल जाएगा, आगे देखते रहिए दोस्तों। फेस तो नहीं मिलेगा आप सभी को, बताइए फेस तो आप सभी को मिलेगा नहीं अभी देखने के लिए, क्योंकि छठा दिन पूर जाएगा उसके बाद फेस देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, है ना। उसके लिए सॉरी दोस्तों, चलिए घर पे बोले दोस्तों वो चीज का नियम हम लोग वीडियो बना रहे, बट फिर भी जो उन लोग नियम बोले वो नियम हमको हम लोग को निभाना है दोस्तों, क्योंकि माँ मेरी बोली है
कि 6 दिन के बाद ही मतलब मुंह दिखाया जाता है, मतलब घर वाले देखने तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर वाले नहीं देखना चाहिए। अभी इसको पंडित जी से भी दिखवाना है, दोस्तों भी दिखवाता है, हमारे यहाँ ससुराल में पंडित जी से दिखवाना पड़ता है। देख सकते हैं कि हम खाना वाना खा लिए हैं दोस्तों, और निशा जी खा लिए खाना। आज आपको बताना है भी दोस्तों कि आज बताना है कि हमारा लड़की हुआ कि लड़का हुआ दोस्तों, है ना? आप सभी को बताएंगे दोस्तों, अभी बताएंगे, अभी थोड़ी देर में बता दीजिए, रुकिए ठहरिए, पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम अभी अपने रूम पे है और इधर हमारा बेबी जो कि आराम कर रहा है। आप लोग बार बार बोलेगा कि आपका बेबी हमेशा सोता ही रहता है, तो दोस्तों इसका एक राज है जो कि रात में जागती है दिन में सोती है। रात भर हम लोग परेशान हो जाते हैं इसको चुप कराते कराते, रात में बोलती है गोदी में लेकर ही रहो, मेरी मम्मी भी वो भी नहीं रात में, कभी वो उठती है तो कभी हम उठते हैं, कभी वो उठती है कभी हम उठते, इसी तरह से रात भर कैसे भी करके 12 घंटा दोस्तों काटते हैं हम लोग। अभी हमारे हस्बैंड और बाबू आई, बाबू तो यहीं पर था, चिल्ला रहा था बाबू बाबू, अभी उसके पापा उसको लेकर गया, क्या बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था दोस्तों, इसलिए भाई बाबू आता है तो आप सभी से मिलवाते हैं बाबू को भी। तो दोस्तों देख सकते हैं बाबू ना, हमारा बाबू हमारे पास आने के लिए जिद्दी कर रहा है। क्या किया बेटा? बाबू रोने लगा बेटा। तो दोस्तों अभी देखिए हमारा बाबू भी जा रहा है। तो दोस्तों हम आप सभी से मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद, कहेंगे हमारे बाबू रोने लगा है। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग बाहर निकल गए हैं अपने वाले रूम से, हाँ, आंगन में दोस्तों, आंगन में भी अभी एक साइड अभी सारा कुछ दिखाएंगे दोस्तों, अभी मतलब परसोती पूजाने के बाद दिखाएंगे पूरा घर का फैसिलिटी क्या है दोस्तों, है ना? सब चीज दिखाएंगे दोस्तों, देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो वो जो अभी बात हम जो करने वाले वो अभी करते हैं ना, निशा का भी तबियत खराब ठीक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा बेबी गर्ल है कि बॉय है कि लड़का है कि लड़की है, वो आप सभी को अभी हम जस्ट तुरंत बता देंगे, और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं दोस्तों, हमें प्यार भी दे रहे हैं। तो हम लोग के घर पे क्या चीज आया है, हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश है, हमारे घर पे जो चीज आया है उसको लेके हमारी फैमिली भी खुश है दोस्तों, और हम लोग भी, हम लोग हस्बैंड वाइफ भी बहुत खुश है। हम लोग जो चीज चाहते थे और जो चीज चाहते थे दोस्तों वही भगवान ने हमको दे दी, जो आया है हमारे घर में लक्ष्मी जी पधारे दोस्तों। हमारे घर में दोस्तों लक्ष्मी जी पधारे समझ लीजिए, हमारी बेटी हुई है दोस्तों। हमारे घर में लक्ष्मी शासन पधारी है, और छठ का त्योहार भी है, छठ पूजा का त्योहार भी है, और हम लोगों को बहुत खुशी भी है दोस्तों। जो लोग बेटा और बेटी में फर्क करते उनको उनके लिए तो हमको नहीं पता, उनके घर में जाते भी नहीं, जो बेटा बेटी का फर्क करते हैं उनके घर में जाने का भी मतलब सोचते नहीं है। अब हम लोग को पता भी नहीं दोस्तों लोग फर्क कर, जो लोग फर्क करते हैं, क्या हॉस्पिटल में भी हम एक लोग को देखे दोस्तों, और क्योंकि बेटा बेटी का मतलब फ्रैंक भी हम बना रखे हैं दोस्तों, हाँ, बेटा बेटी लड़की पर फ्रैंक वीडियो भी बना रखे हैं दोस्तों, हमारा बेबी पेट में ही था, बेबी पेट में ही था तभी हम बनाए थे फ्रैंक वीडियो दोस्तों। जो हमारे इस पुराने सब्सक्राइबर तो देख लिए होंगे, जो नए सब्सक्राइबर हैं जल्दी से जाकर के पीछे जाकर देखिए दोस्तों, और हमारा दोस्तों बेटी हुआ है और हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत दानों हम लोग हमेशा भगवान जी से प्रार्थना भी करते थे कि भगवान हमको बेटी दे दे, बेटा भी देते तो रखते ही दोस्तों, और बेटी भी दी तो भी रखते, पर बेटा में भी खुशी था और बेटी में भी और खुश है, अगले ऑलरेडी एक बाबू तो है ही है, तो हम लोग का सपना था कि बेटी, और हमको तो और दोस्तों बेटी हमें बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो यही हमारी बेटिया रानी जो की है सोई है दोस्तों। तो और क्या चीज आप सभी को बताया, बात है दोस्तों किसका चेहरे का तो आप लोग को बता ही देंगे दोस्तों, 6 दिन के बाद 2 दिन और बच रहा है दोस्तों, 2 दिन 4 दिन हो गया, चौथा दिन है, 2 दिन और बच रहा है चेहरे दिखाने के लिए, वो भी दिखा देंगे दोस्तों, तो आप सभी को भी दिखा देंगे, और निशा को भी जाना है सुई भी दिलवाने के लिए दोस्तों, तो सब आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा। इतना सारा दोस्तों हमारे हाथ में इतना सारा सुई मिला, सुई से शरीर छली छली हो गया निशा का, तो बोलेगा पूरा हाथ
मैं कहाँ कहाँ सुई मिला, हम सभी को बताएंगे दोस्तों ये नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये वीडियो हमारा ज्यादा ही कुछ लंबा हो गया दोस्तों, इसलिए इसको हम आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी बेटिया के लिए और बेटा के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कर दे, आपको आप लोगों की प्यार की हमें बहुत ही ज्यादा अभी जरूरत है, और हमारी बेटी को भी हमारे बेटा को भी। तो बाय।